बात करने जा रहे हैं एक स्पेशल केस जो बढ़ रहा है, जिसके ऊपर काफी सारे मीडिया न्यूज चैनल्स ने भी काफी बोला है। दिस इज कॉल्ड सिज़ोफ्रेनिया। ये होता क्या है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जीडी भार्गव और मैं ऑफिशियल चैनल जो हमारा है आवर ब्रेन आवर लाइफ, उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। बहुत दिन हो गए थे हमारे वीडियोस, आपने देखे होंगे कि थोड़ा आ नहीं पा रहे थे। कोविड की वजह से काफी प्रेशर्स थे, कोविड की वजह से लॉकडाउन लगे हुए थे। कोशिश करेंगे अब रेगुलर आपको वीडियोस देने के साइकोलॉजी पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक स्पेशल केस जो बढ़ रहा है, जिसके ऊपर काफी सारे मीडिया न्यूज चैनल्स ने भी काफी बोला है। दिस इज कॉल्ड सिज़ोफ्रेनिया। ये होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे आसान भाषा में, और क्या रीजन है जिसकी वजह से ये होता है, और क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें पता लग सकता है कि हमारी शुरुआत हो गई। तो सिज़ोफ्रेनिया को हम बोलते हैं मानसिक रोग, और मन क्या होता है, माइंड, और मन की कनेक्टिविटी किससे होती है, सेंसेस से। तो हमारी क्या है, पांच सेंसेस। अगर ये वीडियो लंबा हो जाएगा ना तो अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, बट इस वीडियो को आप पूरा समझने के लिए पूरा देखना जरूरी होगा। तो पांच जो सेंसेस हैं, ईयर्स, आईज, नोज, टंग और स्किन, पूरी बॉडी जो हमारी, स्किन तो हर जगह पूरे शरीर पे, वो हमें बताती हैं, इंफॉर्मेशन देती हैं जो हमारे माइंड तक पहुंचती है। तो उनमें कहीं कम्युनिकेशन गैप हो जाना प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि सिज़ोफ्रेनिया क्या है, मानसिक रोग। अब हम ये समझते हैं ये होता क्या है। सिज़ोफ्रेनिया को कम्युनिकेट करना, आईज है आपको दिखाएगी, जो आपको दिख रहा है माइंड उसको फिल्टर कर देगा। जैसे आप बहुत सारी आवाजें सुनते हैं ईयर से, कान से, तो वो आवाजें आपको क्या सारी याद रहती हैं, किसने क्या क्या बोला, नहीं रहता, हमारा माइंड फिल्टर कर देता है। बहुत सारी चीजों को हम स्किन हमारी छूती है, बहुत सारे एक्शंस हमारे करवाती है, बहुत सारा हम कम्युनिकेट करते हैं या खाना खाते हैं, तो हम सारी चीजें याद रखते नहीं, क्योंकि माइंड इतनी स्ट्रांग मशीन है, उसको फिल्टर करके आप तक एक्यूरेट पहुंचाता है। और एक्यूरेशन के लिए आपको ये समझने की जरूरत है कि उसको हम कैसे आगे चलाएंगे। अगर ये दोनों चीजें आपस में, जो आईज है और जो आपके ईयर्स हैं, सेंसेस, जो भी पांच सेंसेस, आईज, ईयर्स, नोज, जो मैंने बताया अभी, ये या तो सही इनपुट नहीं दे रही, और अगर ये सही इनपुट दे रही है तो माइंड उसको सही ढंग से फिल्टर नहीं कर रहा, तो जहां कम्युनिकेशन गैप आ गया, सिज़ोफ्रेनिया हो गया। बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताया है इनके गैप को सिज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। और ये होता क्यों, अगले पॉइंट पे चलते हैं, होता क्यों है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा क्या है, इग्नोरेंस। हम इग्नोर करते हैं चीजों को, और जब हम इग्नोर करते हैं तो सिज़ोफ्रेनिया हो जाता है। तो आप कहेंगे इग्नोर क्या करते हैं, इग्नोर हम डिप्रेशन और एंजाइटी। बहुत सारे लोग तो हिंदुस्तान में मानते ही नहीं डिप्रेशन एंजाइटी कुछ बीमारी भी है, कहते कुछ नहीं है, और कुछ मान लेते हैं कि चलो कुछ है डिप्रेशन, तो कहते हैं अपने आप ठीक हो जाएगा, हम कर लेंगे ठीक, वी आर इनफ कैपेबल टू डूइंग दिस। आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे होंगे डिप्रेशन और एंजाइटी को लेके, तो आप वो चेक कर सकते हैं उनके सिम्टम्स क्या हैं। अगर वो लगातार रहेगा डिप्रेशन एंजाइटी, आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ेंगे, और स्ट्रेस लेवल बढ़ने के बाद जब एक लेवल क्रॉस कर जाएगा तो सिज़ोफ्रेनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। एक सर्वे हुआ था 2010 में, उसमें सिज़ोफ्रेनिया का रेशियो लेस देन 1% था पॉपुलेशन का, बट आज हो सकता है ये बढ़ गया हो, क्योंकि इसका डाटा भी काफी हिडन आता, बड़ी मुश्किल से लोग कलेक्ट करके डाटा आप लोगों से शेयर कर पाते हैं। तो ये जो डिप्रेशन एंग्जाइटी है, जो आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं, अगर ये कंटिन्यूशन में आपने नहीं देखा तो सिज़ोफ्रेनिया होने के चांस हैं। इसके अलावा जेनेटिकल इशू हैं, बायोलॉजिकल इशू हैं, एनवायरमेंटल इशू हैं, वो इशू तो हैं, बट ये एक मेजर इशू है जिसकी वजह से हो सकता है।
तो अब आपने ये समझ लिया सिज़ोफ्रेनिया क्या होता है और ये कैसे होता है। तो अब हम इसके समझने की कोशिश करते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, और इन सिम्टम्स के लिए हम चलते हैं वन बाय वन, एक एक पॉइंट के ऊपर। तो अभी तक हमने क्या देखने की कोशिश की, सिज़ोफ्रेनिया क्या होता है और सिज़ोफ्रेनिया कैसे होता है। अब हम चलते हैं जो पांच सेंसेस हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, वो क्या इंफॉर्मेशन गलत कर देंगी जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हम किसको लेते हैं, ईयर्स। ईयर्स से क्या होता है, हमारे को बहुत सारी आवाज सुनती है। अब आवाज सुनना तो कोई बुरा नहीं है, कान का काम ही आवाज सुनना, बट उसमें दिक्कत कहां शुरू हो जाती है, जब हमें ऐसी चीजों से आवाज सुनती है जो चीजों में जान नहीं। चेयर से आवाज सुन रही है, पेड़ से आवाज आ रही है आपको, आप किसी रूम में बैठे हो, उस रूम में आपको एक डिफरेंट आवाज सुनाई दे रही है, और कभी आपको लग रहा है वो आवाज आपको कंट्रोल कर रही है, और कभी आपको लग रहा नहीं वो आवाज आपको गाइड कर रही है। और हम फैक्ट्स को ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें ये आभास होने लगता है उस आवाज से कि हम ही यूनिक है, क्योंकि बाकी तो किसी को सुनते नहीं आवाज, हमें लगता है बाकी सब लोग नॉर्मल पर्सन है, इंटेलिजेंट नहीं है, मैं ही इंटेलिजेंट हूं, तभी मेरे को वो आवाज सुनाई दे रही है, और फिर हम अपने आप को बहुत बड़ा गुरु, बहुत बड़ा रिचेस्ट पर्सन, कुछ भी समझ सकते हैं, और फिर हम वैसे ही ज्ञान देने लगते हैं सबको, जबकि एक्चुअल में वो आवाज सुनना ही सिज़ोफ्रेनिया का सिम्टम है। तो ऐसी आवाज अगर हमें कोई भी महसूस हो रही है या सुन रही है तो हमें इमिजिएटली एक्शन लेने की, इसका मतलब आपके ईयर्स का कम्युनिकेशन आपके माइंड के साथ फिनिश हो गया है, नहीं सही प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगला पॉइंट है आईज। आईज से क्या होता है, देखते हैं, देखने का काम करती है आईज, लेकिन आईज से प्रॉब्लम कहां शुरू होती है, हलुसिनेशंस। हमें कुछ ऐसी चीजें दिखाने लगती है जो चीजें होती नहीं। अभी इस रूम में से कोई भाग के गया, अरे अभी वो पर्दा हिला था, मैंने देखा है। मैंने अभी गैस बंद की थी, वो दोबारा कैसे शुरू हो गई। ये मैं रोजमर्रा के आसान एग्जांपल दे रहा हूं। अभी मैंने टेबल कवर बंद किया था, फिर चलने लग गया, क्या बेवकूफी है, कैसे चल रहा है। और जब इसका थोड़ा सा ग्रेड बढ़ता है, स्केल बढ़ता है इसका, तो क्या होता है, फिर हमें ऐसे लोग भी दिखने लगते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसका आसान भाषा में एग्जांपल, एक आदमी मान लो अपने कमरे की सफाई कर रहा है, और आपने पूछा भाई क्या कर रहा है, कमरे की सफाई कर रहा है, अरे दादी खड़ी है सामने देख नहीं रहा, रात से डांट रही है मेरे को, तूने कमरा साफ नहीं किया। दादी को मरे हुए कई साल हो गए। सो हलुसिनेशन शुरू हो जाते हैं, और ये दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम है, आपको समझ जाना चाहिए आईज का कम्युनिकेशन माइंड के साथ हिल गया है और सिज़ोफ्रेनिया की शुरुआत हो गई। चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है हमारी टंग, माउथ। जो अब टंग का दो बड़े मेजर रोल है, एक तो कम्युनिकेशन, आप बोलते हैं बिना जीभ से, का एक्टिव पार्टिसिपेशन के बिना बोल नहीं सकते, और दूसरा खाना। तो इसमें क्या होता है, जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपके टॉपिक्स बार बार चेंज होंगे। जैसे अभी मैं सिज़ोफ्रेनिया में बात कर रहा हूं, फिर कभी लव अफेक्शन पे, कभी झगड़े पे, इस तरह के टॉपिक चेंज हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा क्यों चेंज कर रहा है, और फिर आप परेशान हो पूछो कहना क्या चाहता है, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा। तो कम्युनिकेशन डिफरेंट डिफरेंट करने लगता है, सडनली टॉपिक चेंज करने लगता है, और दूसरा जो फूड जो वो खा रहा है, वो फूड के अंदर काफी सारे सडन स्टार्ट शुरू हो जाती हैं, जैसे टेस्ट कैसा है, इसका टेस्ट वैसा था, आज इसमें टेस्ट ऐसा है, वो इतना ज्यादा डीप चला जाता है फूड के ऊपर कि जो यूजली दूसरे आदमी को इरिटेट करने लगता है, और मेमोरीज वीक होने लगती हैं, चीजों को भूलना शुरू कर देता है। ये सारे सिम्टम सारे आपकी टंग और माउथ के साथ जुड़े हुए हैं, और ऐसा अगर वो करता है तो आप समझ लीजिए ये सिज़ोफ्रेनिक सिम्टम है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है अबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स। जो हमारी बॉडी की मूवमेंट्स है ना,
वो नॉर्मल हो जाती है, सडनली सर हिलाना, जिस टाइप ऑफ मैंने एक्टिविटी बताई आपको, सडनली कोई कंधा हिलाना, सडनली हाथ हिलाना, सडनली बॉडी को शेक करना, आप बैठे हैं सडनली दौड़ने लगे, दिस काइंड ऑफ सिम्टम आप कभी देख रहे हैं या कभी आपने महसूस किए हैं, तो ये भी सिज़ोफ्रेनिक सिम्टम है। हमें कोशिश करनी चाहिए इमीडिएटली इस पर एक्ट करने की, क्योंकि सिज़ोफ्रेनिया का प्रॉब्लम क्या है कि सिज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है, जैसे कैंसर बोला जाता है मेडिकल लैंग्वेज में, तो सिज़ोफ्रेनिया को साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में कैंसर बोला जाता है। इसको क्योर करना लगभग इम्पॉसिबल, अगर इसका स्केल हाई हो गया तो इसका भी क्योर नहीं। तो कोशिश करें कि शुरू में ही वो खत्म हो जाए और डिप्रेशन या एंग्जाइटी के टाइम पे उसको ही खत्म कर लें, तो वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट हम समझते हैं डिक्रीज इमोशनल एक्सप्रेशन, वो हमारी नोज का रोल होता है, उसमें नोज की मेन कलाकारी है। आप कहेंगे नोज इमोशनल चीजों में कैसे आ गया? अब आप खाना खा रहे हैं, एग्जाम्पल से समझिए, आपने खाना खाना शुरू किया और सडनली कोई आदमी आके आपसे टॉयलेट की बात करने लगा, वॉशरूम की बात करने लगा, आपने फील करना शुरू कर दिया वॉशरूम की स्मेल, वो इरिटेशन, और आपसे खाना नहीं खाया गया, या आप खाना खा रहे हैं सडनली आपने मिक्सिंग भी हो जाती है, आइस वाले मिक्सिंग, टीवी पे कुछ देख लिया ऐसा, खाना नहीं खा पा रहे। और जब हमारी ऐसी लैंग्वेज में इमीडिएटली हमें फील होने लगता है, हम इरिटेट होने लगते हैं, तो हम इरिटेट होने लगते हैं तो हमें लगता है दूसरा आदमी बहुत गंदा है, वो ऐसी बातें कर रहा है, तो हमें आइसोलेशन की आदत हो जाती है। हम अकेले में रहना पसंद करते हैं, हम अकेले में टॉक करना पसंद करते हैं, और हमें ये भी लगने लगता है कोई आदमी हमें गाइड कर रहा है, वही हमारा हमदम है, क्योंकि जो पब्लिक फेस है, जो पब्लिक है, उससे हम मिलना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम हर चीज के अंदर डिफरेंट फीलिंग को लेके आएंगे, और जैसे जैसे वो डिफरेंट फीलिंग लाएंगे हमारा मोटिवेशन लो हो जाएगा, और इसके अंदर एक सोशल फियर शुरू हो जाएगा जिसको बोलते हैं अलोजिया। हम सोशली मिलना ही नहीं चाहेंगे किसी से बिकॉज ऑफ द इमोशनल इम्पैक्ट। तो ये पांच जो सिम्टम्स हैं, ये सिज़ोफ्रेनिक की शुरुआत है, ये समझिए आप, और इसके ग्रेड चेंज हो जाते हैं। तो इसके ऊपर आपके कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, डिल्यूजन हो, इल्यूजन्स, और इनके ऊपर मैं वीडियो अलग से डाल दूंगा, वरना ये वीडियो और लंबा हो जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा, तो वो अलग से हम वीडियो बना के डाल देंगे कि वो होते क्या हैं। तो आपको इस पे कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस नॉलेज को समझें, और जितना बांटेंगे उतना ये इम्पैक्टफुल रहेगी, उतना आप लोगों को क्योर कर पाएंगे। जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।